चलिए थोड़ा दो चार सवाल भी हो जाए लड़के, क्या बोल रहे हो तुम लोग? यस सर। अब एक सवाल दिया लड़के, एक्स बराबर 2.4178 इस पर लिख दिया है बाप, ठीक है। अब इस पर बार लिख दिया है लड़के, अब कह रहा है कि इसको p by q के रूप में व्यक्त कीजिए। p by q के रूप में व्यक्त। अब ऐसा सवाल अभी नहीं बताया था। अब इसको लगाना होगा, देखिए इन तीनों पर बार है बच्चे, इन तीनों पर ध्यान, चार पर नहीं है सर। ना चार पर नहीं, इसीलिए तो उसको गाढ़ा बनाया। इस प्रकार, इस प्रकार में तीन अंकों पर, तीन अंकों पर पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति में रिपीटेशन है, तो इसको x बराबर लिखोगे तो 2.4178178178 डाल डाल डाल, ये नहीं लिखेंगे। yes, आपको याद होगा लड़के कि जितने का रिपीट होता है उतने का ही गुणा करते हैं। yes. एक पर बार था तो 10 का गुणा कर रहे थे, 2 पर बार था तो 100 का, और 3 पर बार था तो 1000। तो यहाँ 3 पर बार है ना, 3 को पर, बाकी क्या होगा उसको छोड़ दो, जितना पड़े हो उसी पर हो। 3 को पर बार है तो लिखना दोनों पक्षों में कितने थे, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा कर दो बाबू तो 1100 हो जाएगा। ये 2.4178178 डॉट 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 गुणते कितना हो जाएगा, 1000। ये हो जाएगा 1000 x बराबर 1000 का गुणा कर दोगे तो 3 स्थान दाएं जाएगा ना, यहाँ का लगेगा ना ये। यस सर। तो ये हो जाएगा 2.4178.8178 डॉट 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 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? yes. देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है? no, sir. अच्छा आ जाओ इसको, और अब इसे आप और क्या लिख सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 यक्स, इसको लिख सकते हैं 2417+0.8178178 डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह सवाल हो जाता है तो तुम्हारा उद्देश्य क्या हो जाता है, इस तरह के सवालों में हमारा उद्देश्य यह हो जाता है कि किसी न किसी तरह हम इसको लाना है। भाई एक्स यहाँ तभी न लिख पाओगे जब ये दिखेगा। yes, शुरू से बताया जा रहा है। yes. तो यहाँ तो पहले ये 8 लिखा है, तो दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पर, 4। दशमलव के बाद 4 लिखा हुआ है, उसके बाद सेम है। yes. तो हम इसको पहले बना लेंगे 1000 यक्स 2417 लिख लेना बच्चे, इसी को ऐसे 0.4+0.4178178 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा हूं तुम्हें समझ में आया ना इस वाले को? yes, क्योंकि हमें यहाँ जाना है। yes, अब ध्यान देना सवाल पे, जहाँ x मान रहे हो तो उसको ध्यान देना। यहाँ पर मैंने पहले देखा, देखो अभी 2 को नहीं ला रहा हूँ, मैं 4 को देखा कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है लड़के, तो 8 लिखा हुआ है तो 0.4 लिख दूंगा, और फिर 0.4 भाई 0.1 का स्थान पर, ये भी 1 का स्थान पर जुट जाएगा, फिर आ जाएगा। yes, आप इसको देख कर देखिए, यदि यहीं पर 3 रहा होता लड़के, 3 तो यहाँ 3 कर दिया होता, यहाँ पर 5 कर दिया होता। yes, जैसे मान लीजिए ये 4 हटा देता मैं, 4 हटाने के बाद यहाँ पर 3 लिख देता, तो अब चूंकि यहाँ पर 8 हो गया है ना, आपको चाहिए कितना, 3 चाहिए, तो 3 लाने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे,
अब समझ में आया ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये चार हमें प्रश्न लाने के लिए बना रहा हूं। हो गया इतना? इसका मतलब कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इधर कर लीजिए। तो ये 1000 कितना हो जाएगा? x, ये वाला इसको जोड़ दोगे तो 24.17 कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये हो जाएगा बाबू 0.417 8 1 7 8 8 हो जाएगा। फिर दूसरा कहानी, अब x के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 लिखने के लिए जानते ही हो क्या कर दोगे, 2 जोड़ोगे और 2 घटाओगे। ये तो तुम पहले से जानते हो, यही मैं चलो उसके पीछे लिख देता हूँ। 4 1 7 8 1 7 8 लड़के प्लस कर लोगे 2 और माइनस कर दोगे 2, तो ये प्लस वाला इसके साथ, ये माइनस वाला इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 एक्स लड़के, ये हो जाएगा 24.17 माइनस का 2, ये वाला इसके साथ आ जाएगा बच्चे, तो 2.41 7 8 1 7 8 हो जाएगा। डॉट 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 हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो ये वाला घटाना होगा तो घटान जाते हैं ना, इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो चाहोगे तो दशमलव ऐसे कर सकते हो, एक स्थान पर दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से घटेगा ये, अब इसको घटाओगे तो 1000 एक्स, इसको बाबू यहाँ से हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा? 2 4 1 2 घटा दो 7 में से 5.5 हो जाएगा 4, और इसको बाबू कितना हम लिख देंगे? x लिख देंगे। देखो ये लिखा हुआ है x का मान, अब x को पहचानतर कर दो, तो 1000 x माइनस x बराबर 24.15 हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 999 x, और ये हो जाएगा 24.15 हो जाएगा 4, ठीक है ना? किसी को दिक्कत? ठीक, अब यहाँ से आओ x बराबर क्या कर दोगे, तो x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 24.15/9999। अब ये बाबू दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव में दिया है तो इसको किस में बदल देंगे? भिन्न में, तो ये हो जाएगा 24.15/4 कितना हो जाएगा? 10, भाई एक स्थान पर है तो 10, 999 ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24.154/999 रही हो जाएगा 0, कट कराना चाहोगे तब भी ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा अलग है ना ये सवाल, तो ध्यान दीजिए करिए। अब लड़के ये तो समझ में आ गया है ना, और ये थोड़ा सा मैं फार्मूला कुछ दिखाऊं। अब थोड़ा सा हम सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ से लड़के। पहले दिन तुम्हें मैं ये पहला सूत्र लिखा था, कि यदि p पर बार रहेगा तो तुम डायरेक्ट कर दोगे p बटा में कितना लिख दोगे, पहला फार्मूला है। जैसे तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर लड़के क्या चीज, 3 पर बार था, एक संख्या इसके जैसा है कि नहीं, तो 3 बटा क्या हो जाएगा? अब यहाँ से कट करा देंगे तो 1 बटा कितना हो गया? अभी को समझ में? उसी तरह दूसरा तुम्हें बताया था बाबू कि पी क्यू हो जाएगा, दोनों पर बार हो जाए तो तुम डायरेक्ट इसको लिख देना पी क्यू बटा में कितना जाएगा, समझो कहाँ से आया है, दोनों पक्षों में 100 का गुणा किए हो फिर x घटाए हो, तो यहाँ से जैसे मान लो यहाँ से 5-7 वाला ही ले लो, तो ये हो जाएगा 57 बटा में कितना हो जाएगा। तीसरा तुम्हारे पास बताया था लड़के दशमलव पी क्यू आर लिख देता हूँ तब, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर बटा में 999। अभी पता चला 3 टे है तो 1000 का गुणा कर देंगे। अब जैसे दशमलव 5-7-9 इस पर बार लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 5-7-9। अच्छा, अब चौथा तुम्हारे पास है कि यदि पी क्यू आर यस लिख दो तो तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, पी क्यू आर यस बटा में 999 हो जाएगा। समझ में ना? यहाँ से 5-8-9-3 इस पर क्या लिख देता हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5-8-9-3-1-2-3 और 4। समझ में आया कि नहीं? तो आप डायरेक्ट देख लो ऐसे लगाना है,
अब इसी तरह पांच गो पर पढ़ रहेगा तो पांच गो न हो जाएगा, आठ गो पर रहेगा तो आठ गो हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसी में अलग करेंगे। अलग करने का मतलब लड़के एक फार्मूला है, जैसे मान लो पी क्यू हो जाएगा और क्यू पर बार हो जाए, आया समझ में? तो इसको लिखना है तो तुम्हारे पास फार्मूला हो जाएगा पी क्यू माइनस पी, जिस पर बार नहीं रहेगा उसको घटा देना। तो याद है ना, दो जोड़ रहे थे दो घटा रहे थे, रिपीट नहीं था, अभी किए हो ना। तो यहाँ से बटा में देखो किस पर बार है, एक संख्या है ना, एक संख्या के लिए क्या लिखते हो, जिस पर नहीं है उसके लिए समझ में। मान लीजिए 10.34 पर बार रहेगा तो ये हो जाएगा 34-3, ये हो जाएगा तुम्हारा बाबू कितना हो जाएगा 90, ये घटा दोगे तो 31 बटा में कितना हो जाएगा 90। समझ में आ रहा है? यस सर। उसी तरह तुम्हारा लड़के दूसरा सवाल है 10.PQR हो जाए, दो गो पर बार हो जाए तो इसको लिखोगे पी क्यू आर माइनस पी हो जाएगा, और दो गो पर बार है दो गो 9 लिख दो, जिस पर नहीं है 0 लिख दो। समझ में आ रहा ना? अच्छा उसी तरह अगला तुम्हारे पास है 10.PQR, मान लो केवल R पर बार लिख दूंगा तब, तब इसके लिए तुम क्या करोगे पी क्यू आर माइनस पी क्यू, भाई जिस पर बार नहीं रहेगा उसको घटाइए आप, बार बार बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखो R लिखा हुआ है ना, ये R लिखा हुआ है केवल एक संख्या पर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 9, दो संख्या पर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0 पे रहता E पर नहीं रहेगा। बच्ची आप कह रहे हो कि ये वाला बार यहाँ आ जाए, ये कैसे संभव है, यही रिपीट होगा तो दूसरी संख्या नहीं ना आएगी, अंतिम में आएगा, आई बात समझ में। और उसी तरह लड़के अगला तुम्हारा रहे क्या चीज, सब तो बता ही दिया, कुछ बाकी है पी क्यू आर एस, मान लीजिए तीन गो हो गया, तब इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू आर एस माइनस पी, तीन गो पर बार है तो 3×9 हो जाएगा, एक गो पर नहीं है तो क्या जाएगा। तो आपसे बोला जाएगा विस्तार में लगाने के लिए तो लगाइएगा, और नहीं तो फार्मूला समझ में आ गया ना। yes, जिस पर बार रहेगा उसको आगे, मतलब जिस पर जितने पर बार रहेगा उतने 9, और जितने पर बार नहीं रहेगा उतने 0। ये फार्मूला याद हो जाएगा। yes, कर लोगे ना? yes, कर लो। अब यहाँ देखो लड़के इसको लगाना है, दूसरा हम लोग चले थोड़ा समझा दो तुम्हें खट से। तो तुम इसको x बराबर लिखोगे 1.3232323 ऐसे डॉट 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 करोगे, भाई ये नहीं ना रिपीट हो रहा है, ये तो कौन संख्या रिपीट हो रहा है, दो ठ, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में यस, 100 से क्या करोगे गुणा करने पर, गुणा जब करने जाओगे तो ये 100x हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा 1.3232323 डॉट 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 इनटू 100। यस, तो 100x इज इक्वल टू भाई 2 को इसके गए इधर ना, तो 132 हो जाएगा, यहाँ का लग जाएगा तो 3232 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये तो बहुत सिंपल सवाल ये हो गया। ये 100x 132 प्लस 0.0 कितना हो जाएगा बाबू, 3233 डॉट डॉट डॉट। बस केवल क्या चाहिए तुम्हें, एक, बाकी मैच कर रहे नहीं कर रहे थे, एक चाहिए तो यहाँ लिख दोगे 100x, ये हो जाएगा 132 प्लस 0.3233 डॉट 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 प्लस का 1 माइनस का 1, आई माइनस वाला इसके साथ, तो ये 100x माइनस 100x इज इक्वल टू 132 माइनस 1, आई वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो 1.3232332 ऐसे ही जाता रहे।
होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये तुम्हारा 100x = 132 सॉरी घट जाएगा तो 131 प्लस हो जाएगा तुम्हारा x। x को इधर लेकर आ जाओगे बच्चे तो 100x - x 131 हो जाएगा। इसको घटा दोगे बच्चे तो 99x = 131 x बराबर हो जाएगा 131 बताएंगे 99। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझ में? यस सर।